नंबर्स में पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस में अपना जो चैप्टर उत्तर व्यवहारवाद के बारे में चल रहा है, व्यवहारवाद वाला चैप्टर अपना पूरा है, उसी का अगला स्टेप है उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये दो अवधारणा है राजनीति विज्ञान के विकास के चरण है। राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसको दो भागों में बांट दिया गया है, व्यवहारवाद में और उत्तर व्यवहारवाद में। व्यवहारवाद को जानने के बाद हम उत्तर व्यवहारवाद पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर व्यवहारवाद ये क्या है? उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद का ही सुधार आंदोलन है, व्यवहारवाद का ही शुद्ध रूप है, विकसित रूप है। व्यवहारवाद में जो कमी रह गई उनको सुधारने का प्रयास है, एक तरीका से कमियों को दूर करने का प्रयास है। व्यवहारवाद का अगला चरण है, एक तरीका से यूं कहें कि परंपरावाद की अच्छाइयों को फिर से इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। परंपरावाद जो दृष्टिकोण था, जिसमें मूल्यों की भूमिका थी, जिसमें समाज की प्रासंगिकता थी, उपयोगिता थी, अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर भी उसमें बल था, तो ऐसी चीजें यहाँ हम उत्तर व्यवहारवाद में फिर से देखेंगे। यानी उत्तर व्यवहारवाद को एक तरीका से यूं भी कहें कि ये परंपरावाद के प्रति अपना लगाव रख रहा है। उत्तर व्यवहारवाद जिसका जो श्री गणेश किया था वो डेविड ईस्टन ने किया। किसने किया? डेविड ईस्टन ने किया। ये वही डेविड ईस्टन है जिसने व्यवहारवाद की नींव रखी, व्यवहारवादी आंदोलन को खड़ा किया, परंपरावाद के विरुद्ध आंदोलन चलाया और व्यवहारवाद की 8 मान्यताएं दी, जैसे कि बताया, नियमन, सत्यापन, तकनीक के प्रयोग, मूल्य निरपेक्षता, क्रमबद्धता, समग्रता, ये जो विशेषताएं थी। आगे उसको लगा कि हम व्यवहारवाद के रहते हुए या व्यवहारवादी आंदोलन पर चल करके हम अपने शोध को, हम अपने कार्य को प्रासंगिक नहीं बना सकते हैं। हम अपने कार्य को प्रासंगिक बनाएंगे तब बनाएंगे जब हमें समाज की समस्याओं से क्या है कि लगाव रखना है, जानना है कि समाज और अपना जो समाज और अपना जो वर्ग है वो कौन कौन सी समस्याओं से जूझ रहा है, कौन सी ऐसी समस्या है जो आज विश्व में व्याप्त है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण की है, चाहे आतंकवाद की है, चाहे वो किसी प्रकार के जनमत की है, कोई भी समस्या हो सकती है। उन सारी समस्याओं की ओर ध्यान व्यवहारवादी नहीं दे रहे थे और डेविड ईस्टन ने यही देखा कि हमें अपना कार्य जो भी है, अपना शोध है, वो अपने समाज के लिए उपयोगी और सार्थक बना देना चाहिए। यदि हम अपने शोध और यदि अपने शोध को अपनी अपनी जो शैली को समाज के लिए उपयोगी नहीं बना रहे तो हमारा शोध, हमारा कार्य बेकार है। हमारी प्रासंगिकता तभी है जब हम समाज से जुड़े और समाज की समस्याओं को जाने और उनको दूर करें, तभी हमारा शोध, हमारा कार्य प्रासंगिक है, अन्यथा कोई महत्व नहीं रखता है। समाज समस्याओं से जूझ रहा है और हम जो हमसे मतलब यहाँ व्यवहारवादियों से है। व्यवहारवादी उस समय क्या है कि जो जो महंगे महंगे यूनिवर्सिटी प्रांगण थे, उनकी जो पुस्तकालय थी, उनकी जो एक तरीका से जो मानो कि जो एयर कंडीशनर जो रूम थे उनमें बैठ करके शोध कार्य में व्यस्त थे, और समाज दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी समस्याओं से क्या है कि पीड़ित हो गया, जनसंख्या विस्फोट, आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी बहुत सारी समस्याएं समाज में आ गईं, पूरे विश्व इन समस्याओं से जुड़ गया, महामारी जैसी समस्याएं आ गईं, तो ऐसी स्थिति में उस शोध का कोई मतलब नहीं रहा। तो डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के विरुद्ध आंदोलन चला दिया और अपना जो 1969 ईस्वी में किया था कि अमेरिका के जो अध्यक्ष भाषण था, अमेरिका में जो जो मानो कि व्यवहारवादी लोगों का एक अध्यक्ष भाषण हो रहा था, उसमें राजनीति शास्त्री थे और राजनीति शास्त्र में अपने अध्यक्ष भाषण में कहा था कि हम व्यवहारवादी शोध से अपने अध्ययन को सार्थकता नहीं दे सकते, प्रासंगिकता नहीं दे सकते, अतः हमें व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवादी बन जाना चाहिए। ये उन्होंने अपने अध्यक्ष भाषण में संबोधन में कहा था कि हम व्यवहारवाद से क्या बनने जा रहे हैं, उत्तर व्यवहारवादी बनने जा रहे हैं। तो उत्तर व्यवहारवाद क्या हुआ बच्चों? उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद के विरुद्ध चलाए गए एक आंदोलन हुआ, एक अगला चरण हुआ, सुधारवादी आंदोलन है,
व्यवहारवाद में जो कमी रह गई उनको दूर करने का प्रयास उत्तर व्यवहारवाद में किया गया। तो उत्तर व्यवहारवाद को एक बार और जान लें कि उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद से कुछ मिलता जुलता सा है। परंपरावाद के बारे में हमने देखा कि मूल्यों की बात कर रहा था, तो उत्तर व्यवहारवादी भी मूल्यों की बात कर रहे हैं कि मूल्य स्थापित होने चाहिए। यदि हमने मूल्यों को फिर से स्थापित नहीं किया तो समाज और मानव जाति है वो बहुत सारी बुराइयों से पीड़ित हो जाएगी और मानव सभ्यता शीघ्र नष्ट हो जाएगी। तो ये बात यहाँ उत्तर व्यवहारवाद में है, परंपरावाद में भी थी। परंपरावाद में एक बात और भी ये थी कि शोध की सामाजिक उपयोगिता उसमें बताई गई थी कि हमारा शोध समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। इसीलिए तो उत्तर व्यवहारवाद में जो डेविडिस्टन है उसने दो बातें बताई हैं, एक तो कर्म की और एक प्रासंगिकता की। कर्म और प्रासंगिकता, कर्म से मतलब ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो कैसे होनी चाहिए, समाज में प्रासंगिक होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए। यदि हमारी जांच, शोध कार्य, सर्वेक्षण कार्य समाज के लिए प्रासंगिक नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो हमारा कार्य जो शोध जांच बेकार है। हम जो भी सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो भी समाज की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं, यदि वो प्रासंगिक नहीं है, यदि समाज समस्याओं से जूझ रहा है, हम एक तरीका से यूं ही खुले प्रांगण में या लाइब्रेरी में या एक तरीका से लैब में बैठ करके एक तरीका से क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और समाज दूषित हो रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए यहाँ बात क्या सामने आ रही है कि हमारी प्रासंगिकता होनी चाहिए, हमारा योगदान समाज की समस्याओं को दूर करने में होना चाहिए और हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए, कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज अच्छाइयों की ओर बढ़े, समाज की में बुराई दूर हो, तभी हमारा कार्य उपयोगी है, अन्यथा उपयोगी नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवाद का एक नारा है यहाँ पर, कर्म और प्रासंगिकता। तो कर्म और प्रासंगिकता का जो नारा है वो डेविडस्टन ने दिया और ये उत्तर व्यवहारवाद का भी नारा है। इसमें हम देख रहे हैं कि व्यवहारवाद का अगला चरण क्या हो गया, उत्तर व्यवहारवाद हो गया। इसमें परंपरावाद की अच्छाइयों को स्वीकार किया गया है, साथ ही साथ शोध की उपयोगिता को भी स्वीकार किया गया है। तो यहाँ आगे इसमें विशेषताएं आएंगी, जैसे व्यवहारवाद की विशेषताएं थी ऐसे उत्तर व्यवहारवाद की भी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं। जहां व्यवहारवाद के डेविडिस्टन ने 8 लक्षण बताए, वहीं उत्तर व्यवहारवाद के डेविडिस्टन ने 7 लक्षण बताए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की अपन में अगले चरण की बात करी। अब हम अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेविडस्टन ने कौन कौन से 7 लक्षण उत्तर व्यवहारवाद के बताए हैं और उनका क्या महत्व है, तो ये अगली वीडियो में होगा। धन्यवाद।